हाय ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मोमेंटम ट्रेडर में। ट्रेडर्स, मैं आज आपके साथ एक बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली ऑप्शन बाइंग के ऊपर है। ऑप्शन सेलिंग की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं और बैंक निफ्टी ऑप्शंस को बेसिकली ट्रेड करना चाहते हैं और ऑप्शंस पे बाय साइड में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या रहता है कि बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, मतलब अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ है कि आपको वेट करना पड़ता है। थोड़े बहुत वेट करने के बाद ही आपको ये स्ट्रैटेजी मिल सकती है। मतलब वीक के हो सकते हैं आपको एक दो तीन चार कुछ ऐसे ही ट्रेड मिले, इससे ज़्यादा ना मिले। तो इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें वेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेट करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब ये स्ट्रैटेजी अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत पुराने ट्रेडर है, मतलब दो चार महीने छः महीने से है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है, ये आपको खुद को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो आपके बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस चलेंगे उसी के रेंज में, उसी के जो ATM ऑप्शंस रहेंगे उस पर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जस्ट फर्स्ट ITM ऑप्शंस को, मतलब सॉरी ITM नहीं, OTM ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब या तो ATM ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिएगा एज ए स्ट्राइक, और OTM ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिएगा एज ए स्ट्राइक, ठीक है। मतलब आइदर ATM कीजिए और OTM कीजिए। ATM के बाद OTM, पहला OTM ही लीजिएगा। चार पांच OTM अगर आप चले जाएंगे, मतलब चार पांच आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक पे अगर आप चले जाएंगे, तो ये जो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये शायद आपको थोड़ा बहुत दिक्कत में ला सकता है। तो इसीलिए ATM या फिर OTM स्ट्रैटेजी में ही ट्राई कीजिएगा, OTM स्ट्राइक में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या है कि आपको कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको RSI को यूज़ करना है, ठीक है। RSI मतलब आप जानते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। और इसमें मैंने बेसिक सेटिंग्स ही लिया हुआ है, 14 का सेटिंग्स है मेरा। जो बेसिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स रहते हैं वही है मेरा, 14 है। और ये जो बैंड है, ये 60 और 40 का मैंने लिया है। हालांकि नीचे वाला बैंड हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर वाले बैंड पे ही फोकस करना है। क्यों नीचे वाला हम लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग के लिए हमें RSI ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखना है, नहीं ना कि नीचे की तरफ जाता हुआ। तो ये नीचे अगर जाता भी है या फिर नहीं भी जाता है, तो ये हमारे लिए कोई हेल्प की बात नहीं है। हमें सिर्फ ऊपर की तरफ RSI कब जा रहा है, ये देखना है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैंने यहाँ पे 39,700 के कॉल ऑप्शन लिया है एज ए स्टैंडर्ड। आप जब भी, मतलब जो भी दिन चलेगा, उस दिन के हिसाब से जो आपके ATM रहेंगे एक और OTM रहेंगे, उसको आप सिलेक्ट करके काम कीजिएगा। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आप चाहे तो 5 मिनट का ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 मिनट का ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप ये जो RSI है, इसके जो 50-60 का बैंड है, इसको भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा सूट करता है, 60 का बैंड सूट करता है या 50 का बैंड, या फिर 55, या फिर किसी के साथ 70 हो सकता है, ये आपके ऊपर है। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड 60 का लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, आपको वेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे शुरू से दिखाता हूँ, देखिए जो आज का एक्सपायरी है, ये 21st का एक्सपायरी है, और इसके पहले का एक्सपायरी था 14th, ठीक है। और ये देखिए, ये है 14th, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिएगा 14th कब है, ये है हम लोगों का 14th का डेट, देखिए ये है 14th। मतलब इस वक्त में इसके जो पहले सीरीज का ऑप्शन है, 14th एक्सपायरी का ऑप्शन, ये इफेक्टिव था इस डेट तक, ठीक है। तो मैं इस पीरियड तक छोड़ देता हूँ। हालांकि अगर आप इस पीरियड में भी देखेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि आपको क्या करना है, आपको वेट करना है जब भी RSI आपको 60 के ऊपर जाता हुआ दिखे। मतलब पहला एक कैंडल आपको ऐसा मिल जाए जहाँ पे आपको RSI 60 के ऊपर मिल रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है, आपको उस कैंडल के हाई के ऊपर अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कैंडल है, इसने 60 के ऊपर आपका
RSI दे दिया है, तो आपको क्या करना है, इस हाई के ऊपर बाय ऑर्डर प्लेस करना है। और जो रिसेंट लो है, जैसे यहाँ पे देखिए ये है रिसेंट लो, इससे ज़्यादा नीचे लो है नहीं अभी तक। देखिए ये लो जो भी है ये उससे ऊपर है, तो ये है आपका रिसेंट लो। तो आपको इस रिसेंट लो के नीचे क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ये है आपका रिसेंट लो ये वाला, ठीक है। आपका एंट्री कहाँ पे हो रहा है, आपका एंट्री हो रहा है इस कैंडल में, और आपके रिसेंट लो है यहाँ पे। तो आपको इस हाई के ऊपर बाय करना है, इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है, ठीक है। अब ये हाई और लो को अगर हम देख ले कितना आता है, देखिए ये हाई था 92 का और यहाँ पे जो लो था ये था 80 का, तो मतलब 12 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस था। और उसके बाद देखिए मार्केट जब चला उस दिन, तो ये लगभग आपके चला गया था ऊपर की तरफ 240। तो आपको यहाँ पे 80 से लेके, या फिर 80 के रेंज से लेके 80-90 के रेंज से लेके आपको 240 तक ये चला गया था, लेके लगभग 160 पॉइंट्स के मूवमेंट्स थे। और आपके जो लो मतलब स्टॉप लॉस थे वो थे 92 पे आपने एंट्री किया और आपके स्टॉप लॉस थे 92 पे आपने एंट्री किया, आपके 80 का स्टॉप लॉस था और ये हाई लगा लगभग 240 का। तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा था आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल है ऐसा कभी भी नहीं है। कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, कुछ लॉसेस आपको मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक लॉस आपको दिख जाएगा, ये है हम लोगों का वीक के स्टार्टिंग, मतलब ये जो एक्सपायरी गया 21 अक्टूबर का, इस वीक का स्टार्टिंग हमें यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये 60 के ऊपर था, तो आप कोई ट्रेड डिसीजन नहीं ले सकते थे, यहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 60 के ऊपर है, आपको किसी और तरीके से डिसीजन लेना होगा। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे RSI आपके नीचे से ऊपर की तरफ आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 60 के ऊपर चल रहा था, इसी से ऊपर की तरफ गया है, तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आप ये कर सकते कि मेरा अभी का लेवल 80 है, ये अलग चीज़ है, लेकिन 60 के ऊपर जो आने चाहिए, ये जो स्ट्रैटेजी का रूल है ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपको वेट करना था कब यहाँ पे फिर से 60 के नीचे जाए और उसके बाद ऊपर आए। तो देखिए यहाँ पे ये 60 के नीचे गया उसके बाद ऊपर आया है, तो ऊपर कहाँ पे आया, इस कैंडल में शायद इसने ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिखाया। ये जो कैंडल है इस पे, यहाँ पे आपको प्राइस वैल्यू दिख जाएगा RSI का, यहाँ पे 64 वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू है 58, मतलब यहाँ पे आपको ये ऊपर की तरफ लेके गया। तो आपको क्या करना था, आपको सिंपली ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना था, और आपके जो रिसेंट लो है, आप देखिए रिसेंट लो कहाँ पे आ रहा है, रिसेंट लो लगभग यहाँ पे आ रहा है क्योंकि इससे भी थोड़ा सा नीचे एक लो है और इससे पहले का जो लो है यहाँ पे है, तो रिसेंट लो आपका यहाँ पे ही आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना था। अब ये जो हाई है, ये हाई आपके है 380 के आसपास और यहाँ पे जो लो है आपके 310, तो आपके ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस थे। 380 में आपने बाय लगाया और आपने यहाँ पे 310 में अपना स्टॉप लॉस लगाया है, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये इसने यहाँ पे ट्रिगर कर लिया अपने आपके ट्रेड को, थोड़ा सा नीचे आया। अब यहाँ पे जो लो लगा, ये लो था आपके 317, तो आपके जो स्टॉप लॉस थे वो ट्रिगर नहीं हुए, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाके ये ऑलमोस्ट 480 का हाई आपको दे के गया है ये। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो जब नीचे जा रहा था तो ये RSI भी नीचे चला गया था, तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल भी सकते थे, या फिर थोड़े बहुत पॉइंट के लॉसेस के साथ आप चाहे तो अपने ट्रेड को निकाल सकते थे, ये आपके ऊपर है आप कैसे इसको डील करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर है तो ये सब छोड़िए, आपने बाय किया यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे और आप वेट कीजिए। और अगर आप थोड़े प्रोफेशनल प्रो लेवल के ट्रेडर है तो ऑब्वियसली आप चाहे तो इसको यहाँ पे ही कहीं पे क्लोज कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में आप पुट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे कॉल पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप सेम एग्जांपल को पुट के तरफ भी यूज कर सकते हैं, पुट में भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे देखिए ये नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर की तरफ आया, और फिर से जो ऊपर की तरफ आया इस लेवल पे आया, तो आपको फिर से यहाँ पे एंट्री मिल रहा था। अगर आप
आप में से किसी ने यहाँ पे कहीं पे अपना पोजीशन क्लोज किया है तो आपको फिर से यहाँ पे एंट्री लेना था और आपको लगभग ये लो या फिर इस लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाना था। और अगर यहाँ पे लगाते तो आप देखिए यहाँ पे 480 का आपको हाई मिल चुका है। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे 380 के आसपास बाय किया था और 480 तक का हाई आपको मिला, तो 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखने को मिल चुके थे। तो देखिए ये पहला दिन है, यहाँ पे पहले दिन में भी आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ। अब देखिए तीसरे दिन देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रेड ट्रिगर हो रहा है, यह है 19th, यह था 18th का ट्रेड, यह है 19th में देखिए यहाँ पे आपके ट्रेड ट्रिगर हो रहा है पहले कैंडल में ही। तो देखिए यहाँ पे आपको बाय लेना था इस हाई के ऊपर और आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस आपके हिट हो रहे थे, मतलब आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे। अब यहाँ पे आपको लगभग 440 से लेके 360 पॉइंट्स का लॉस यहाँ पे आपको लेना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे और नीचे की तरफ ये मूवमेंट दिखा। अब यहाँ पे अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे तो ऑब्वियसली इस पॉइंट में ये जो यहाँ पे फॉल आया है इस पॉइंट में आपके पुट में बहुत अच्छे प्रॉफिट जरूर चल रहे थे। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे अगर टाइम मिलता है तो। देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके ट्रेड ट्रिगर हुए होंगे, तो ये जो ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हुआ है इस पे भी आपको शायद लॉस होता, इस लेवल से इस लेवल तक का आपको लॉस होता या फिर यहाँ तक का लॉस आपको लेना पड़ता। तो इसमें आपको लॉस लेना पड़ता लगभग 390 से 340, 50 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस आपको लेना पड़ता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और ट्रिगर नहीं हुआ, ये चलाया हम लोगों का 21st। अब 21st में देखिए यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है आपके एकदम लास्ट टाइम में इस कैंडल के हाई के ऊपर, शायद नहीं इसके हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर हमें ट्रेड ट्रिगर हो रहे थे, इस कैंडल पे ट्रेड ट्रिगर हुआ हम लोगों का। तो यहाँ पे अगर ट्रेड ट्रिगर हो रहा है और ये क्योंकि एक्सपायरी के एंड का ट्रेड है तो हम लोग इसी लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाई आपका कितना है, ये आपका हाई है 150 और आपका लो है 132, सो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे जो हाई लगाया इसने वो है 340 का, सो आपको यहाँ पे 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आप नेट टू नेट देखेंगे, दो दिन आपको नुकसान हुआ है, एक दिन आपको नुकसान हुआ 80 पॉइंट्स का और एक दिन आपको नुकसान हुआ ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का नुकसान हुआ, तो 140 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। और अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक दिन वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था लगभग 150 पॉइंट्स का, उसके बाद एक दिन आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला और यहाँ पे लास्ट जो ये एक्सपायरी है इस दिन पे आपको प्रॉफिट मिला ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स के आसपास का। तो अगर आप नेट टू नेट देखेंगे तो आपके प्रॉफिट आपके लॉसेस से ज़्यादा थे, ठीक है। और इस पे हमने पुट का जो ट्रेड है वो देखा नहीं है, तो चलिए सेम 39,700 पुट के भी एक बार देख लेते हैं कैसे ट्रेड आपको मिल रहे थे। तो देखिए यह है पुट साइड, अब पुट साइड में देखिए ट्रेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 14th। देखिए 14th में तो ये नीचे की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे तो हम लोगों का कोई ट्रेड बन नहीं रहा था, यहाँ पे 18th से हम लोगों का नया वीक स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 57 था, तो ये ट्रेड आपके बने नहीं थे क्योंकि ये 456, 458 ऑलमोस्ट सेम टू सेम थे। अगर आप इसको भी मान लेंगे तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ था, ठीक है। और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्योंकि 456, 458 टू पॉइंट्स का बफर आ रहा है, 1.40 पॉइंट्स का बफर है, तो शायद आपने इसको कैप्चर भी नहीं कर पाया होगा। अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए लॉस है, नहीं तो कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपके ट्रेड ट्रिगर हुए यहाँ पे, इस जगह में आपका ट्रेड पहले ट्रिगर हुआ, मतलब इस कैंडल पे आपके ट्रेड ट्रिगर हो रहे थे, नहीं इस कैंडल में आपके ट्रेड ट्रिगर हो रहे थे, ठीक है। ये है 300 पे आपके ट्रेड ट्रिगर हुए थे और यहाँ पे 330 का हाई लगा था। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते ये बहुत नीचे हो जाता, 175 का स्टॉप लॉस होता, तो इतना आप नहीं लगा सकते थे। आपको इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना था तो 240 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहता जो यहाँ पे आपके ट्रिगर हो रहे थे, ठीक है। तो 300 पे आपने बाय किया, 240 पे आपके लॉसेस ट्रिगर हुए, फिर से यहाँ पे ट्रेड आपको मिले, ये ट्रेड आपको मिले कौन से लेवल पे, ये ट्रेड आपको मिले ऑलमोस्ट
आपके 295-300 के लेवल के आसपास फिर से आपको ट्रेड मिला और ये ट्रेड आपको ऊपर की तरफ 474 तक लेके गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला इस कैंडल में या फिर इस कैंडल में, इन दोनों में से इस कैंडल में मिला है। इस कैंडल में आपको ट्रेड मिला है 359 पे और ये आपको 473 तक लेके गया है। हालांकि इस कैंडल का जो RSI वैल्यू था 59.2 के आसपास था, मतलब आपको बेसिकली इस हाई के ऊपर या फिर इस हाई के ऊपर ट्रेड लेना था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हाई लग चुका था और RSI भी उस वक्त 60 के ऊपर चल रहा था। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको यहाँ पे 480 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल सकता था, मतलब अप टू 480। उसके बाद देखिए आपके जहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हुए होंगे पुट साइड में, वो है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपके ट्रेड ट्रिगर हुए और ये भी आपको शायद नुकसान ही देखे गया है। ठीक है, और उसके बाद आपके जो ट्रेड ट्रिगर हुए थे वो थे यहाँ पे। इसके बाद तो RSI नीचे आ रहा था तो यहाँ पे भी आपके कुछ खास नहीं बने थे। तो पुट साइड में अगर आप देखेंगे 39,700 में अगर आप देखेंगे तो आपको नेट टू नेट कुछ 100 से 150 पॉइंट्स का यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने पूरे वीक में आपको 39,700 को ही दिखाया। अब एक एक दिन में एक एक तरह का स्पॉट चल रहा था, तो उस वक्त में उस ऑप्शंस के जो भी वैल्यूज थे उसको आपको जज करना था। मैंने यहाँ पे सिर्फ 39,700 को लेके ही आपको दिखाया है। आपको क्या देखना है, ATM में देखना है या फिर आपको OTM में, फर्स्ट OTM में आपको देखना है। और अगर आप एक्सपायरी के दिन है तो स्पेशली आप ATM में ही देखने की कोशिश कीजिएगा, OTM को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो आपको एक एक दिन में अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे। हर रोज के लिए आपको 39,700 के PE भी नहीं मिलेंगे और 39,700 के CE भी नहीं मिलेंगे। तो जो मैंने 39,700 CE दिखाया वो भी आपके लिए अलग अलग डेट में अलग अलग आएंगे, और बैंक निफ्टी में जो 39,700 के PE मैंने दिखाया वो भी अलग अलग डेट में अलग अलग आएंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ऑप्शन है उसका चार्ट आपको यूज़ करना है, ATM या फिर OTM, फर्स्ट OTM का आपको चार्ट यूज़ करना है, ये पहला रूल। दूसरा जो रूल है, आपको RSI यूज़ करना है 14 पीरियड का। आप चाहे तो इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 60 का अपर साइड, मतलब अपर लाइन जो आप कहते हैं उसको लिया है। नीचे वाले लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हैं, तो ये हम अवॉइड करेंगे। कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं हमें, 60 के ऊपर अगर RSI का वैल्यू चलता है, जिस कैंडल में 60 के ऊपर जाएगा हम उस कैंडल को मार्क करेंगे, उसके हाई के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे और नियरेस्ट स्विंग लो पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस थोड़े बहुत लॉजिकल होने चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आपने, जैसे यहाँ पे 263 का हाई है, अब मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ 130 का, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 50% का कैपिटल आपके उड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा जज करते हुए अपने इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए कि 203 का, उस पर भी आपको ऑलमोस्ट 30% के कैपिटल, मतलब 30% आपके लॉसेस आप ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है फिर भी, लेकिन आपको इसी तरीके से मेज़र करना है। और यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे 39,700 का पी लिया है, शायद इस दिन में कोई और पी होता तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखना है कि कब RSI 60 के ऊपर जा रहा है, जिस कैंडल पे जा रहा है उसके हाई के ऊपर बाय कीजिए, उसके उस कैंडल के लो पे या फिर जो नियरेस्ट स्विंग लो है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और जो आपके गैप है इसी गैप को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब यहाँ पे अगर 50 पॉइंट का गैप आ रहा है तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, या फिर 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, और इसी तरीके से कीजिए। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपको हर रोज़ शायद एक से दो ही ट्रेड मिलेंगे, लेकिन अच्छे ट्रेड्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस 100% सक्सेसफुल है कभी भी नहीं है। ये प्रोसेस हो सकता है 60-70% आपको सक्सेस दे दे, या फिर 50% भी अगर आपको सक्सेस दे दे। आपको क्या देखना है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। आपको हमेशा याद रखना है कि मेरे अगर लॉसेस है तो, मेरे अगर 100 रुपीज़ के लॉसेस हो रहा है तो प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो एटलीस्ट 150 के प्रॉफिट्स मुझे मिलने चाहिए। अगर आप इसी तरीके से मेज़र करते हुए चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा,
पहले इसको अच्छे तरह से बैक टेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट तो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फॉरवर्ड टेस्ट करना ही सही रहेगा। कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 1 से 2 महीने या फिर 3 महीने तक इसको अच्छे तरह से ऑप्शंस पे फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिए। उसके बाद जब आपको कॉन्विक्शन आ जाए, बहुत अच्छा कॉन्विक्शन आए, या फिर अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आता है, तब आप इसको अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, तो इसलिए सिर्फ बैंक निफ्टी में ही यूज़ कीजिएगा। निफ्टी में यूज़ करेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि निफ्टी में वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी की तरह इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो इस पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। इसको बैंक निफ्टी में ही यूज़ कीजिए, किसी और सिस्टम में मत अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, आने वाले टाइम में मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।